नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स कूल पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मिनिमा कलर थीम से बैकग्राउंड के क्वेश्चन वाले साइन को कैसे हटा सकते हैं। जी हाँ, जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर क्वेश्चन वाला साइन आता है आप उसे कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ साथ इस बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके बिना किसी देर के। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस तरह अपनी वेबसाइट के लेफ्ट और राइट कॉर्नर में क्वेश्चन का साइन दिखाई दे रहा होगा, जिसके कारण आपकी वेबसाइट भी देखने पर कुछ अनस्ट्रक्चर्ड टाइप की लग रही होगी। तो इस साइन को रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्लॉगस्पॉट या फिर वर्डप्रेस, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, उस पर लॉग इन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको थीम वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको जहां से इस थीम को एडिट इन HTML मोड में ओपन कर लेना है। थीम को HTML मोड में ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की HTML कोडिंग ओपन हो जाएगी। आपको जहां पर कंट्रोल प्लस F को प्रेस करना है और जहां पर बैकग्राउंड को टाइप करके उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। बैकग्राउंड को सर्च करने के बाद आपको बैकग्राउंड के काफी सारे कोड्स इस कोडिंग में मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहां से CSS पोस्ट लेआउट लाइन नंबर 214 पर जाना है, जहां से आपको इस URL को डिलीट करके अपनी थीम को सेव कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद अपडेट सक्सेसफुल का आपको मैसेज आ जाएगा, जहां पर आप पेज को रीलोड करने के बाद देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो साइन हमें पहले लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर आ रहा था वो अब सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।